अलीगढ़ के सांसद हड़प रहे हैं गरीब किसानों की जमीन भालू प्रताप से। योगी सरकार के भू माफिया मुक्त प्रदेश को लगा रहे हैं पलीता। अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम पर लगाए प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप। भारतीय जनता किसान यूनियन भालू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भालू प्रताप सिंह ने अलीगढ़ के 700 स्थिति हाउस में पहुँच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया है। दलवीर सिंह गांव मोहना तहसील गभाना ने अपनी 10 बीघा भूमि का अंजना देवी वाइफ योगेंद्र सिंह निवासी सोई बुलंदशहर के नाम वापसी बैनामा किया था। उनसे 2 बार में 8 लाख रुपए लिए, जिसकी ब्याज सहित वापस कर दिए। अंजना देवी वाइफ योगेंद्र सिंह ने दलवीर सिंह को बैनामा वापस न करके फरीदाबाद निवासी अमर सिंह प्रतिशत रामस्वरूप राजकुमार प्रतिशत रामस्वरूप के नाम कर दिया। जब दलवीर सिंह को इस प्रकरण की जानकारी हुई तो उन्होंने सिविल कोर्ट अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज करा दिया। फरीदाबाद निवासी अमर सिंह एवं राजकुमार ने सांसद सतीश गौतम से मिलकर भूमि पर तहसील की स्टे होने के बावजूद फर्जीवाड़े से अपने बेटे रजत गौतम के नाम बैनामा करा लिया। दलवीर सिंह ने बताया कि मुझे सांसद के गुर्गों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित किसान सरकारी हुक्मरानों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसान की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, न कहीं न्याय मिल रहा है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि योगी जी की सरकार प्रदेश को भू माफिया मुक्त करने का प्रयास कर रही है और अलीगढ़ के सांसद गरीब मजदूर किसानों की जमीन हड़प रहे ऐसे सांसद के खिलाफ प्रधानमंत्री के आवास पर समस्त देश के किसानों के साथ आंदोलन करूंगा। भानु प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार को 2012-2017 के चुनावों में खुलकर समर्थन किया, किसान विरोधी नीतियों के कारण केंद्र सरकार का 2024 में विरोध किया, 400 पार का नारा देने वाली केंद्र सरकार को एक एक सीट के तरसा दिया। अगर केंद्र सरकार ने किसान आयोग का गठन, एमएसपी पर लिखित गारंटी कानून, पत्रकारों की मृत्यु पर 4 करोड़ मुआवजा, अर्धसैनिक बलों के शहीद होने पर 5 करोड़ मुआवजा, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ, बिजली बिल माफ, कृषि यंत्रों को जीएसटी से मुक्त, वृद्धा किसानों को 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन, बरसात हुए फसलों का उचित मुआवजा, किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर 1 करोड़ मुआवजा आदि मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान युवा जिलाध्यक्ष कृष्णा ठाकुर ने बताया कि अलीगढ़ में बिजली विभाग किसानों का उत्पीड़न कर रहा है। मुख्य अभियंता के यहां बिजली की समस्याओं को लेकर महापंचायत होगी। जिलाध्यक्ष संजय चौहान ने कहा कि अलीगढ़ के सभी थानों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई भी थाना प्रभारी किसानों की नहीं सुनता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में इसकी शिकायत पुलिस महानिदेशक से की जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव नेम सिंह सोलंकी, प्रदेश अध्यक्ष छात्र संघ उपेंद्र यादव था, अशोक सिंह, भगवान दास चौहान, धीरज सिंह, वीरपाल सिंह, राजू ठाकुर, सुरेंद्र चौधरी, गोविंद चौहान, दीपक ठाकुर, बंटी नायक, अमन राघव, लता अग्रवाल, मिथिलेश शर्मा, हेमलता, धनेश गुप्ता, सरताज चौहान, विजय भदौरिया, अजय पाल, कुलदीप ठाकुर, मानेंद्र चौधरी, शालू ठाकुर, राकेश ठाकुर, रोहित सिंह, ओमपाल सिंह, शेर खान, वरुण राज, विक्की विमल ठाकुर, विक्की शर्मा, सुनील ठाकुर, नितेश जादौन, राजेश आदि मौजूद रहे। माननीय मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिलेंगे, माननीय प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी से मिलेंगे और माननीय प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार सिंह से मिलेंगे और हो सका तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। ये करेंगे शिकायत, क्यों कि सांसद जी ने घोर अन्याय किया है। घोर अन्याय है, घोर अन्याय। अब इससे ज्यादा और सांसद क्या करेंगे कि सारी जमीन जहाँ कहीं केस चलेंगे, जहाँ कहीं मुकदमा चलेंगे, वो जमीन को सांसद अपने लड़कों के नाम करवाएंगे। यही भाजपा का हल्ला है कि यही मतलब अमित शाह करेंगे, यही नरेंद्र मोदी करेंगे, यही सांसद करेंगे। तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है आंदोलन करना। जो किसान की बात करेगा, जो हमसे ठहराएगा, ये जो हमारे दलवीर सिंह की जमीन, दलवीर सिंह मोहराना और इनके पिताजी का नाम है सुषपाल सिंह, तहसील गभाना है इनकी और जिला अलीगढ़ है, और अलीगढ़ के सांसद माननीय सतीश गौतम जी ने अपने लड़के के नाम इनकी मुकदमा ये लड़ रहे थे, इनकी जमीन थी, कर्ज लिया था, कर्जा सब पटा दिया, उसके बाद दूसरे के नाम बैनामा कर दिया। उस बैनामा वाले पर से क्योंकि वो इनसे ले नहीं पाता जमीन, सतीश गौतम ने अपने लड़के के नाम जमीन ले ली है, रजत के नाम बैनामा करवा लिया है, तब
हमारे संगठन को बीच में आना पड़ा है, नहीं तो अभी क्या बताता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब हम अपने भारतीय किसान भानु के अलीगढ़ नहीं पूरे देश के संगठन को खबर करते हैं कि जिस दिन अलीगढ़ में महाभारत हो उस दिन कोई बैठे मत रहना, पूरे देश के प्रदेश के हर प्रदेश के कार्यकर्ता को अलीगढ़ आंदोलन में आना पड़ेगा। क्यों नहीं तो मेरा सलाह है सतीश गौतम जी सांसद से कि जो तुम्हारा रुपया चला गया तुम पे तो करोड़ों रुपया वैसे ही फंड का आता है चला गया तो चला जाने दो, लेकिन इसकी जमीन की तरफ उंगली मत करना। जमीन कितनी बताई जा रही है? जमीन क्या भी है 10 बीघा। कितने 10 बीघा जमीन है? क्या करोड़ की है? 55 लाख कुल 55 लाख की जमीन है जो भी है, सही बात बता रहे, लेकिन 55 लाख की हो चाहे 50 लाख की हो, लेकिन जमीन तो जमीन है, गरीब के लिए तो 50 लाख ही काफी है। उस जमीन को ये किसी को नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने जो कर्जा लिया था वो कर्जा अदा कर दिया है, लेकिन जिससे कर्जा लिया था उसने बेईमानी करके किसी फरीदाबाद के लोगों को नाम क्या है उनका, अमर सिंह और राजकुमार को बेनाम करवा दिया, उनसे इन्होंने मुकदमा डाल दिया कि हम तुम्हें जमीन नहीं लेने देंगे हमारी रखेंगे। लेकिन अमर सिंह और राजकुमार से माननीय सतीश गौतम जी के बेटे ने बेनाम करवा लिया। सतीश गौतम ने करवाया होगा तभी तो रजत गौतम ने बेनाम करवाया। अब रजत गौतम ने क्यों किया कि हम बेनाम कर लेंगे कब्जा, तो किसान की बात करने के लिए हमारी 45 राजीव गांधी से लड़े थे हम 1985 में, और हम कह रहे हैं आपको किसी भी कीमत पर रजत उस जमीन को नहीं जोत पाएंगे। क्यों? कि पूरे देश का किसान हमारे साथ रहेगा, जो किसान की बात करेगा वही किसान एकता।